नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव शर्मा जी टेक्निकल की तरफ से। आपके लिए एक आज नई वीडियो लेके आया हूं मैं, और ये जो वीडियो है ये है वीपीएन के बारे में। आप सभी की बहुत डिमांड थी कि हम एक वीडियो बनाएं वीपीएन के बारे में, जिसमें आपको अच्छे से समझाएं कि वीपीएन जो है वो क्या है, उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, और आप कैसे जो वेबसाइट्स ब्लॉक हैं उनको आप देख सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा कंटेंट जो आपके रीजन में अवेलेबल नहीं है, या हो सकता है कि आपको एक्सेस नहीं है, या मान लीजिए स्कूल या कॉलेज में कई बार बैन होती हैं चीज़ें, फेसबुक नहीं खुलता है या कुछ भी चीज़ें हैं जो नहीं खुलती हैं, तो इस सर्विस के द्वारा आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से अब जो चाहें वो एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखते रहिए आखिर तक, और आप जान जाएंगे अच्छे से कि वीपीएन क्या है। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि देखिए, हमारे एंड्रॉयड फ़ोन की सेटिंग्स में एक ऑप्शन होता है वीपीएन का। नीचे अगर मैं जाऊँगा सेटिंग्स में, जाके मोर कनेक्शन सेटिंग्स में, और यहाँ पे देखिएगा तो एक वीपीएन का ऑप्शन होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ पे हम कुछ सेटिंग बना लेंगे तो हमारा काम निकल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो ऑप्शन है ये एक नॉर्मल यूज़र के लिए नहीं होता है, ये जो कॉरपोरेट कंपनीज हैं उनके जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं, जो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को फ़ोन दिए हुए होते हैं कई बार, जो एक सेंट्रलाइज सर्वर से कनेक्टेड होते हैं, या फिर मान लीजिए कि वो भी एंड्रॉयड अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं, तो उनका जो वीपीएन है ये उस चीज़ के लिए है। तो अगर आप इसमें इस सर्विस के थ्रू एक वीपीएन बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपको एक वीपीएन सर्वर आपके पास में होना चाहिए एक प्राइवेट नेटवर्क का, और उसके लिए मान लीजिए कि बहुत खर्चे वाला हिसाब है, तो यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं मुफ्त की। तो इसको तो आप भूल जाएं कि आप एड वीपीएन पे जा पाएंगे और यहाँ पे आप कुछ डाल देंगे चीज़ें जो डिटेल्स ये मांगता है, तो वैसा तो आप नहीं कर सकते हैं, तो इसको तो आप भूल जाइए। अब हम बात करते हैं कि हम वीपीएन को यूज़ कैसे करें। देखिए, सबसे पहला काम जो आप कर लें वो आप क्या करेंगे, आप प्ले स्टोर पे जाएं और प्ले स्टोर पे जाके आप एक एप्लीकेशन सर्च करें, बेटर नेट। मैं आपको दिखा देता हूँ, बेटर नेट, ये देखिए आप इसको सर्च करें तो बेटर नेट करके जो पहली एप्लीकेशन आती है, अनलिमिटेड फ्री वीपीएन, बेटर नेट। बेटर नेट टेक्नोलॉजीज़ ने इस एप्लीकेशन को बनाया है, तो आप इसको खोल लीजिए और इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है अपना टाइम बचाने के लिए। तो ये वो एप्लीकेशन है, आप रेटिंग देख लें इसकी 4.3, काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और इस एप्लीकेशन की सबसे खास बात जो है वो ये कि प्ले स्टोर पे वैसे तो वीपीएन को लेके बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आ जाती है कि ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं वीपीएन, सुपर वीपीएन, अनलिमिटेड वीपीएन, फ्लैश वीपीएन, हॉटस्पॉट वीपीएन मास्टर, पता नहीं क्या क्या। प्रॉब्लम ये है कि जो ये एप्लीकेशंस कहती हैं वो करती नहीं हैं बहुत बार, तो और बहुत बार इन एप्लीकेशंस में तरह तरह के एड्स आते रहते हैं बीच बीच में, जो आपको बहुत परेशान करते हैं, या फिर ये एक ट्रायल वर्जन होता है, या फिर इनकी स्पीड बहुत कम होती है। तो ये जो सभी चीज़ें की मतलब जो भी ये सारी कमियां थी, ये सभी कमियां दूर कर दी हैं इस एप्लीकेशन ने, जो कि है अनलिमिटेड फ्री वीपीएन बाय बेटरनेट। तो हम इसको इंस्टॉल कर चुके हैं, अब आपको हम दिखाते हैं कि हम एक वेबसाइट जो ब्लॉक्ड है और हम उसको अनब्लॉक कैसे करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर खोला है, और इस इंटरनेट के अंदर मैं एक वेबसाइट है जो एक चैटिंग वेबसाइट है, omegle.com, दुबई में, यूएई में ये वेबसाइट जो है ये ब्लॉक्ड है। तो मैं इसमें दिखाता हूँ आपको खोल के, omegle.com। अगर मैं जाऊँगा इस पेज पे तो देखिए, ये मेरे को एक ऐसा मैसेज मिल जाता है कि दिस साइट इज़ ब्लॉक्ड, एक्सेस टू दिस साइट इज़ करेंटली ब्लॉक्ड, द साइट फॉल्स अंडर द प्रोहिबिटेड कंटेंट कैटेगरीज ऑफ द यूएई इंटरनेट एक्सेस मैनेजमेंट पॉलिसी। तो अब ये वेबसाइट तो ब्लॉक है, लेकिन अगर मैं इस वेबसाइट जाना चाहता हूँ तो मैं कैसे जाऊँगा, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, मैं बाहर आ जाता हूँ। अब जो मैंने बेटरनेट इंस्टॉल किया था वो काम में आएगा। मैं बेटरनेट देखिए यहाँ पे आ गया है, इसको मैं खोल लेता हूँ। और ये बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है, आप बस इसको एक बार, पहली बार जो होता है बस एक बटन दबाएंगे और ये कनेक्ट हो जाएगा। तो मैंने इसको बटन को दबाया, देखिए ये मुझसे पूछता है कि ये कनेक्शन क्या मैं चाहता हूँ बनाना, तो मैं बोलता हूँ हाँ जी बिल्कुल, ओके दबा देता हूँ। और ये देखिए, ये कुछ 10-15 सेकेंड मुश्किल से लेता है और ये आपका फट से हो जाएगा कनेक्ट। देखिए ये हो रहा है, बस ऑथेंटिकेट कर रहा है सबसे पहले, और उसके बाद में देखिए हो गया कनेक्ट। जैसे ही कनेक्ट हो जाता है तो आप इसको क्लोज मत कीजिए, आप बस होम बटन दबा के अपना बाहर आ जाइए, ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे VPN इज़ एक्टिवेटेड बाय बेटरनेट और योर कनेक्शन इज़ सिक्योर नाउ। तो ये जो है, इसमें एक तो आपका जो कनेक्शन है वो एकदम सिक्योर बन जाता है, कोई आपको ट्रैक नहीं कर सकता है, और ये बिल्कुल ही एक अलग फैसिलिटी आपको दे देता है जो आपको नॉर्मल ISPs नहीं दे पाती हैं, क्योंकि जो उनकी राउटिंग होती है वो एक अलग तरीके से होती है, और VPN की जो राउटिंग है वो VPN के नेटवर्क के थ्रू होती है। अब देखिए, मैं खोलता हूँ वापस से इंटरनेट एक्सप्लोरर, मैं वापस से उसी वेबसाइट पर जाऊँगा,
omegle.com और अब देखिए क्या कमाल कर देंगे हम यहाँ पे। जैसे ही हमने इस वेबसाइट पे एड्रेस दबाया और ये देखिए ये वेबसाइट खुल चुकी है। तो आपने देख लिया है, इवन मैं इसके अंदर अभी चैटिंग स्टार्ट करता हूँ तो मैं चैटिंग कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ठीक है जी, ये तो बात होगी VPN की। अब मैं आपको इसको वेरीफाई करवा देता हूँ कि जो हमने सॉफ्टवेयर आपको बताया है वो सही है और वो अच्छे से काम कर रहा है। तो पहले एक बार मैं इसको डिस्कनेक्ट करूँगा, उसके लिए आपको बताता हूँ क्या करना है कि आप इस पर क्लिक करिए, VPN इज एक्टिवेटेड जो आपको नोटिफिकेशन आ रहा है इस जगह पे, तो आपने इसको क्लिक किया तो ये आपको बता देता है कि आपने कितने टाइम से आप कनेक्टेड हैं, कितना डेटा और आपने सेंड और रिसीव किया है, कितने बाइट्स या कितने मेगाबाइट्स। आप इसको डिस्कनेक्ट पे क्लिक कर दीजिए तो ये डिस्कनेक्ट हो गया है और आप इसको यहाँ से भी हटा सकते हैं। देखिए तो अब जो है ये मेरा फ़ोन नॉर्मल बन चुका है। मैं क्या करता हूँ अभी, सबसे पहले अपने फ़ोन पे एक स्पीड टेस्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैं स्पीड टेस्ट खोलता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे वाईफाई बहुत ही पुअर है मेरे पास, देख सकते हैं आपकी बहुत ही बस ज़रा सी एक या दो बार आ रही है मुश्किल से, क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ अभी तो स्पीड की खास नहीं आ पाएगी। चलिए एक बार स्पीड टेस्ट करते हैं। देखिए ये जो है ये बिना VPN के है, ये आपको देखेंगे तो ये बिना VPN के मैं टेस्ट कर रहा हूँ। तो मुझे करीब करीब 5.5-6 मान लीजिए करीब 6.5 MBPS की स्पीड मुझे मिल रही है, 6.76 MBPS की स्पीड डाउनलोडिंग की मिल रही है। अपलोडिंग की मेरे ख्याल से 2 और 3 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास में इस रूम में रेंज नहीं आती है। वैसे जो मेरा कनेक्शन है वो 50 MBPS का है, देखिए 1 MBPS की मुझे मिल रही है स्पीड। चलिए मान लेते हैं कि हमको ये स्पीड मिली है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम VPN को करेंगे एक्टिवेट। तो मैं यहाँ पर गया वापस और मैंने बैटरनेट खोला और मैंने VPN को कनेक्ट किया। वापस से ये 10 या 15 सेकंड लगाएगा मुश्किल से कनेक्ट होने में। तो ये देखिए ऑथेंटिकेटिंग, और जैसे ही मुस्कुरा देगा ज़ोर से, हंस देगा, इसका मतलब ये हो गया है कनेक्ट। तो ये हंस दिया। अब हम वापस जाते हैं स्पीड टेस्ट और हम टेस्ट अगेन। लीजिए ये हम वापस टेस्टिंग कर रहे हैं इसकी एक, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कितना आपकी स्पीड में कमी या ज़्यादा आपको मिलती है। तो देखिए स्पीड वापस बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते 5.5-6 तो करीब करीब हमको पहले मिली थी वो मिली थी 6.77 की, अभी जो आपको मिल रही है वो मिल रही है 6 की। तो स्पीड जो है वो करीब करीब सेम है, स्पीड में कोई खास फर्क नहीं है। और देखिए जो अपलोड स्पीड है वो तो पहले से भी ज़्यादा हो गई है, अभी 3 MBPS की हो गई है। तो ये जो थोड़ा बहुत आपको स्पीड में वेरिएशन मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है मेरे वाईफाई में जो एक्चुअली राउटर बहुत दूर रखा है मैंने यहाँ पे इस रूम से, उसकी वजह से। बाकी VPN जो है ये वाला जो मैंने आपको बताया था, इसमें आपको 1% भी स्पीड के मामले में कमी नहीं मिलती है और आप डेटा जितना चाहें उतना यूज़ कर सकते हैं बिना किसी ऐड के। देखिए आपको कोई ऐड नहीं आ रहा है, आप आराम से बस एक बार ऑन करके उसको बैकग्राउंड में चल रहा है वो, और आप सामने जैसा चाहें फ़ोन को ब्राउज़ कर रहे हैं। अभी आपको मैं एक और चीज़ आपको वेरीफाई करवाऊँगा। देखिए आपने इंटरनेट खोला और आप जाते हैं सर्च करते हैं व्हाट इज़ माय IP। देखिए मैं आप लिखता हूँ व्हाट इज़ माय IP, तो ये आपका IP एड्रेस बताएगा। तो ये देखिए ये जो आपका IP एड्रेस आ रहा है यहाँ पे, मैं आपको लोकेशन के साथ दिखाता हूँ, ये जो वेबसाइट है ये लोकेशन भी बताती है IP एड्रेस की। ये देखिए व्हाट इज़ माय IP एड्रेस, तो आप देख सकते हैं जो लोकेशन है ये जो है, पहले मेरा IP एड्रेस है 209. something है, और जो लोकेशन है इसने बताई है यूटा यूनाइटेड स्टेट्स में, जबकि मैं तो अभी दुबई में हूँ। तो हम इसको एक बार वापस से कंफर्म करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं VPN को बंद कर देते हैं। मैंने यहाँ पे गया, मैंने VPN को बंद कर दिया, मैंने हटा दिया इसको यहाँ से, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिएगा अब जैसे ही इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए ये आ गया मेरा असली एड्रेस, ये मेरा असली IP एड्रेस है। पहले 209. something था, अब 31. something है, और ये मेरी लोकेशन देखिए आप, सिटी और रीजन दुबई और कंट्री UAE, जबकि पहले ही दिखा रहा था US। तो कितना आसान है कि मैं दुबई में बैठ के अपने IP एड्रेस को बना लेता हूँ US का, और मैं एक VPN के थ्रू वो सभी साइट्स एक्सेस कर सकता हूँ जो कि UAE में ब्लॉक्ड है। तो ये आप दुनिया में कहीं भी बैठ के और कैसे भी आप इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जिसका नाम है बेटरनेट, जो मैंने आपको दिखाया था ये वाला बेटरनेट। अब ये तो बात हो गई मोबाइल की, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक PC पे भी इसको यूज़ कर सकें
तो मैं उसका ट्यूटोरियल भी आपके लिए बना दूंगा। तो फ़ोन पे तो आप कर ही पाएंगे, साथ के साथ आप चाहें तो आप कंप्यूटर पे भी यूज़ कर पाएंगे। बेटर नेट जो सॉफ्टवेयर है या इसके अलावा और भी कोई वीपीएन का जो बेस्ट मिल सकता है कंप्यूटर के लिए, तो मोबाइल के लिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे अच्छे से और आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा इसको यूज़ करने के बाद में। और मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जो सॉफ्टवेयर है बेटर नेट, ये एंड्रॉयड वर्जन 4.0 एंड अबव पे चलता है। तो इसका मतलब आइसक्रीम सैंडविच जो कि करीब 4 साल पुराना एक सॉफ्टवेयर है, तो आपके आज की डेट में तो सभी फ़ोन जो होंगे वो उससे ऊपर ही होंगे मुझे ऐसी उम्मीद है। तो ये हर एक फ़ोन पे चलेगा और इसकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है। करीब 13 MB का ये सॉफ्टवेयर है, तो आप इसको यूज़ कीजिए अच्छे से, मज़े कीजिए और इंटरनेट की फ्रीडम का लाभ उठाइए। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। शर्मा जी टेक्निकल की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.